पिक्चर खाली है लेकिन फिर भी दिखाना कुछ अलग है, वैसा हुआ। पूरी खाली है पिक्चर, आज भी शो खाली है, काउंटर पे टिकट मिल रही है, चार शो पूरे खाली है। इसको स्टारडम थोड़ी बोलते हैं भाई, वेयर इज द ब्लडी स्टारडम। नील से एड़े छाले नहीं करने का बोल के, लेकिन नहीं मतलब कि बोल सकते हैं कि 2018 रिपीट हो गया। रिपीट हो गया, मैं तो पहले बोल रहा था, लेकिन इनके कुछ चाटू फैंस है, उनको तो डंकी डंकी कर रहे थे बैठ के। फुट गई टंकी तुम्हारी। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पब्लिक के रिएक्शन क्या है डंकी मूवी के लिए और सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के द गाइस। ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया ये जो स्कैम की बातें चल रही है, फेक जो बुकिंग चल रही है, कॉर्पोरेट बुकिंग का जो नाम भाई सब सालार मूवी पे लगाया जाना सरासर गलत बताया जा रहा है। और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि हर्ष भाई सालार मूवी की डे 7 की एडवांस बुकिंग बता दो कितनी हो गई है, डंकी से तो ज्यादा ही ना भाई साहब, इतनी ज्यादा है कि जो हेटर्स है वो खुद ही सोच रहे होंगे। अपन सबके बारे में बात करेंगे यानी कि सालार के डे 7 के एडवांस बुकिंग के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, प्रीवियस डे के मुकाबले जो आज की एडवांस बुकिंग आई है यानी कि 7th डे की, वो इतनी तगड़ी होने वाली, इतनी तगड़ी होने वाली है जिसे जो हेटर्स हैं, जो कॉम्पिटेटर भाई साहब ऐसा ऐसा ब्लेम कर रहे हैं कि पूरी की पूरी फर्जी है, फेक है, कॉर्पोरेट बुकिंग है। भाई साहब खुद कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और सालार मूवी की नॉर्थ में हिंदी बेल्ट में भाई साहब डंकी से ज्यादा एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। हाँ तो गाइस अब अपन बात कर लेते हैं सालार के डे 7 की एडवांस बुकिंग के बारे में। पहले शोज काउंट देखेंगे, टिकट देखेंगे और कितना ग्रॉस आया वो सब देखेंगे। अगर अपन तेलुगु लैंग्वेज की बात करें गाइस, तेलुगु लैंग्वेज जो कि रीजनल लैंग्वेज है सालार मूवी की, तो उसके जो शोज है वो है 3972 शोज है तेलुगु लैंग्वेज के। वहीं अगर मैं टिकट सोल्ड आउट की बात करूं तो जो टिकट सोल्ड आउट हुए 93,425 टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस की अगर मैं बात करूं तो जो वो हुआ है 1,79,56,462 रुपीस का हुआ है। भाई साहब छोटा मोटा नहीं भाई, अगर अपन मूव करते हैं मलयालम लैंग्वेज की तरफ तो 869 इसके शोज है मलयालम लैंग्वेज के। वहीं अगर मैं टिकट सोल्ड आउट की बात करूं तो भाई साहब वो हुए हैं 7,773 के टिकट सोल्ड आउट हुए। वहीं अगर मैं ग्रॉस की बात करूं भाई साहब मलयालम लैंग्वेज की 11,38,349 इसका ग्रॉस निकल कर आया मलयालम लैंग्वेज का। वहीं अगर मैं तमिल लैंग्वेज पे मूव करता हूं तो भाई से इसके तमिल लैंग्वेज के शोज काफी ज्यादा हैं, यानी कि 1,604 इसके मतलब की शोज है, 1,104 शोज है। वहीं अगर मैं टिकट सोल्ड आउट की बात करता हूं तो टिकट जो सोल्ड आउट हुए वो हुए 44,326 इसके टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस पर अगर अपन आ जाते हैं तो भाई साहब वो हुआ है 52,01,875 इसका ग्रॉस निकल कर आया है, यानी कि तमिल लैंग्वेज का। वही अगर मूव करते कन्नड़ा लैंग्वेज की तो उसके जो शोज है 318 शोज है। टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो 6,281 टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस की अगर बात करें तो 9,15,512 का इसका ग्रॉस निकल कर आया, इतने रुपए का आया है। वहीं अगर अपन मूव करते हैं भाई साहब अपनी हिंदी लैंग्वेज की तरफ तो भाई साहब शो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए हेटर्स ये फेक कलेक्शन की बात करें, कॉर्पोरेट बुकिंग की बात करें जो कि वो खुद ही कर रहे हैं। हाँ तो गाइस हिंदी पर मूव करते हैं तो इसके जो शोज है वो है 7,496 है। वहीं अगर डंकी का देखा जाए तो 9,000 प्लस उसके शोज है हिंदी में नॉर्थ में। और वहीं अगर बात करें इसके टिकट सोल्ड आउट की कि कितने टिकट सोल्ड आउट हुए तो भाई साहब वो हुए 1,46,663 इसके टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस पर अगर अपन आ जाते हैं तो वो हुआ है भाई साहब 3,13,09,990 इसका ग्रॉस निकल कर आया है, यानी कि 3,13,09,990 का इसका ग्रॉस निकल कर आया है बिना कॉर्पोरेट बुकिंग का, जो कि अदर कॉम्पिटेटर कर रहे हैं, क्लैश करने वाले कर रहे, जो कि इतने तगड़े तगड़े ब्लेम लगा रहे हैं। वहीं अगर अपन इसके आईमैक्स वर्जन की बात कर ले तो गाइज आईमैक्स वर्जन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते, दो ही तो लैंग्वेज के हैं। अगर तेलुगु लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो 20 शोज है, टिकट जो सोल्ड आउट हुए 905 टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस की अगर मैं बात करूं तो वो हुआ है 3,68,000
266 इसका ग्रॉस निकल कर आया तेलुगु आईमैक्स वर्जन का। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 43 शोज है और टिकट जो सोल्ड आउट हुए 1949 टिकट सोल्ड आउट हुए। ग्रॉस की अगर मैं बात करूं 8,06,015 इसका ग्रॉस निकल कर आया हिंदी आईमैक्स वर्जन का। और अगर मैं टोटल करता हूं पांचों लैंग्वेज का तो टोटल जो शो काउंट है भारत में अपने 14,322 इसके टोटल शोज है भारत में अपने। वही अगर मैं टिकट सोल्ड आउट की बात करता हूं तो टिकट जो सोल्ड आउट हुए भाई साहब 3,01,322 इसके टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए अपने प्यारे भारत में। और वहीं अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो वो आया है 5.77 करोड़ का आया है। भाई साहब आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही देखने को मिल रही है। अब डंकी का भी मैं एक छोटा सा लास्ट बता देता हूं भाई साहब, जो टोटल जो ग्रॉस निकल कर आया 2.21 करोड़ का आया। तो इसीलिए भाई साहब ये नेगेटिविटी देखने को मिल रही है कि नॉर्थ में भाई साहब हमारे से ज्यादा प्रभास अन्ना मार रहे, सालार सीज फायर मार रहे हैं। तो भाई साहब आप खुद देख सकते हैं तो नेगेटिविटी तो बनता है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं सालार सीज फायर पार्ट वन की डे सेवन की एडवांस बुकिंग के बारे में क्या लगता है, इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में क्या लगता है, और इन हेटर के बारे में क्या लगता है, और फेक कलेक्शन के बारे में क्या लगता है। अपने ओपिनियन भाई कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।